पक्षी को एक व्यक्ति को राजा को राजा ही बनाते रहोगे तब तक वो प्रजा पे अत्याचार ही होते रहेंगे मेरे हिसाब से। यानी शिवराज सिंह बार बार मुख्यमंत्री बनते रहेंगे तो? जी जी। अच्छा, मेरे हिसाब से कमलनाथ जी को आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव, कांग्रेस की सरकार चाह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप सहमत हो भाई की बात से? नहीं सहमत है ना, सही है। आप चाह रहे हो चेंज हो इस बार? हाँ चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से बिल्कुल, किसान लोग बहुत परेशान है, फांसी भी लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब बीजेपी की सरकार की वजह से है। अच्छा अच्छा, सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। आप जैसा जैसा सरकार बोलती है वैसा कुछ भी नहीं कर पा रही, मतलब हवाई फायरें कर रही है सरकार। अच्छा अच्छा, जो बातें कर रही है हवाई फायरें हो रही हैं। बोलते ना गांव वाली भाषा में कागजी घोड़े उड़ाना, सरकार जो है ना कागजी घोड़े उड़ा रही है और इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रही। तो आप कांग्रेस बिल्कुल आएगी? भैया जसवंत नाम है। क्या काम करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग है। तो क्या अभी क्या रेट वगैरह बढ़िया चल रही है प्रॉपर्टी की? नहीं बहुत मद्दा है, मद्दा है। प्रॉपर्टी का काम भी सस्ता हो गया? बिल्कुल बहुत सस्ता। लोग तो शिकायत कर रहे हैं जमीन आके रेट आसमान छू रहे हैं। तो रेट से क्या होता है, जब ग्राहक ही नहीं मिलेगा तो रेट कितना भी बढ़ता रहे, किसान को फायदा होगा? जो बेच रहे हैं उनको क्या फायदा है? अच्छा अच्छा, वो तो अपना कर्जा लेकर के किसानों को क्या नाम है ब्याज दे दे के उनको पैसा कम दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, और जो प्रॉपर्टी डीलर है वो फांसी लगा रहे हैं काफी लोग। अच्छा, जैसे भिंड में भदौरिया जी थे एक, उन्होंने प्लॉटिंग मद्दा होने के कारण, महंगाई होने के कारण लोगों ने प्लाट नहीं लिए, तो उसके कारण काफ़ी लोगों ने आत्महत्या की। आपको क्या लग रहा है जो महंगाई है उसका असर आपके काम पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अभी जो मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं इसमें भी कुछ फर्क देखने को मिलेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा, किसकी संभावना लग रही है आपको? देखो अगर किसी को एक व्यक्ति को राजा ही बनाते रहोगे तब तक वो प्रजा पे अत्याचार ही होते रहेंगे मेरे हिसाब से। यानी शिवराज सिंह बार बार मुख्यमंत्री बनते रहेंगे तो? जी जी। अच्छा, मेरे हिसाब से कमलनाथ जी को आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव, कांग्रेस की सरकार चाह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसान वर्ग है मजदूर वर्ग है वो भी यही बात कह रहा है कि कहने की जो माहौल है वो चेंज होना चाहिए और कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार ही आना चाहिए। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं महंगाई है? महंगाई है और जो भर्तियाँ वगैरह हैं, बेरोजगारी है। बहुत ही बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, और आप देख रहे होंगे टमाटर भी 140 हो गया, सेव के बराबर बैठ रहा है भाई। अच्छा अच्छा, जी जी, सेव 140 है, टमाटर भी 140 है। तो आप भिखारी को राजा बनाओगे, राजा को भिखारी बनाओगे तो भैया चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। ये बात जो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी 1000 रुपये दे रहे हैं लाडली बहन योजना के तहत, आपकी फैमिली को मिल रहे हैं? आप लेकिन प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ? नहीं फॉर्म नहीं भरा है भाई, जैसे 1000 रुपये मिल रहा है। गरीब लोगों को फायदा है कहते हो ना? नहीं गरीब लोगों को फायदा है, लेकिन सभी को लोगों को फायदा नहीं है। और जैसे मान लो कोई तो अपना घर चलाने लायक है, कोई चलाने लायक नहीं है, तो जिसको मिल रहा है तो वो तो ठीक है, और जिसको नहीं मिल रहा है तो उसको भी परेशानी है। अब सिलेंडर मान लो 1000 देंगे 1500 का सिलेंडर हो जाएगा, 1200 का अभी, जैसे मान लो 1200 का है अभी, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपका 1500-2000 रुपये छुएगा वो सिलेंडर। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। तो कहने की आपको लग रहा है चेंज हो सकता है? 100% चेंज होगी। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या भाई? संदीप कुमार। आप क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग वाले काम। आप सहमत हो भाई की बात से? नहीं सहमत है ना, सही है। आप चाह रहे हो चेंज हो इस बार? हाँ चेंज होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, महंगाई की वजह से। चलिए एक और भैया रुके हैं, सही बात करते हैं। आपका नाम क्या भाई? भाई मेरा नाम दुष्यंत सिंह भाटिया। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आप साथ में? हाँ, साथ ग्रुप में। हाँ, ग्रुप है हमारा। अच्छा, तो हम भाई बात कर रहे थे कि जो यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कॉमन लोग के जमीन के जो रेट है आसमान छू रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कह रहे थे वो कुछ लोग फांसी भी लगा रहे हैं, वो परेशान है महंगाई। सत्य बात है, बिल्कुल किसान लोग बहुत परेशान है, फांसी भी लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सब बीजेपी की सरकार की वजह से है। अच्छा अच्छा, सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों की महंगाई आपके काम पर भी असर डाल रही है? बिल्कुल डाल रही है, बहुत ज़्यादा डाल रही है। छोटी छोटी चीज़ें डाल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब की जितना भी है राशन पानी टोटल किसानों के लिए पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में महंगाई करके रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है साहब। हर काम मतलब कहने की लॉकडाउन के बाद फर्क पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उस तरीके से रिवाइव नहीं कर पाया जिस तरीके से जैसा जैसा सरकार बोलती है वैसा कुछ भी नहीं कर पा रही, मतलब हवाई फायरें कर रही है सरकार। अच्छा अच्छा, जो बातें कर रही है वो हवाई फायरें हो रही हैं। बोलते ना गाँव वाली भाषा में कागजी घोड़े उड़ाना, सरकार जो है ना कागजी घोड़े उड़ा रही है और इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रही। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हो? बिल्कुल साहब, मैं 100% बदलाव चाह रहे हैं, कांग्रेस को चाह रहे हो? बिल्कुल कांग्रेस चाह रहे हैं। कमलनाथ जी जो बातें कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जो रैली में बातें कर रहे हैं,
आपको लग रहा है उससे महंगाई कम होगी आने वाले टाइम में? बिल्कुल कम होगी साहब। आपके काम पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा साहब, पड़ेगा। किसान पे काम पे भी फर्क पड़ेगा। किसान जो आज फांसी लगा के मर रहा है, परेशान है, ये चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। वो कैसे करेंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का बजट है वो पहले से ही जो सरकार है वो कर्जा लिए हुए है बहुत सारा। हाँ, ये बात तो है कि कर्जा लिए हुए, लेकिन कमलनाथ जी उसको अपने हिसाब से संभालेंगे, मैनेज करेंगे, जो भी होगा वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, तब मजा आएगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप चाह रहे हो बदलाव होना? बिल्कुल बदलाव होना, 100% होना चाहिए। आपका जो ग्रुप है, नहीं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का ग्रुप है, वो कहने के चाह रहा है कि बदलाव? टोटल हमारा ग्रुप है और भी हमारा ग्रुप साथ में, सब लोग यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजय सिंह नाम है सर मेरा। क्या काम करते हैं? IDFC बैंक में हूँ। जो आप भी फाइनेंस में ही हो? जी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल रहने वाला है? माहौल सर कांग्रेस का ही आएगा। कांग्रेस का आएगा? बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर लोग थोड़े से परेशान से हो चुके हैं सरकार से, महंगाई के देखते हुए है ना, तो लोग पसंद करते हैं कि बदलाव आए कुछ। अच्छा अच्छा, कांग्रेस का आपको क्यों लग रहा है, क्या बीजेपी की जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस निपटा पाएगी, मतलब उसे सॉल्यूशन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं? परेशान के छोटे छोटे मुद्दे, लोग गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, सारी चीज़ें। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो वो बेहतर करेगी। जैसे कांग्रेस की पिछली बार सरकार बनी भी थी 2018 में, लेकिन वो सिर्फ सिंधिया जी चले गए उधर। वो एक अलग कारण हो गया था ना। हाँ। वैसे सरकार तो बनी थी ना। हाँ। वो अब लोग चले गए तो वो चीज़ अलग हो गई। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, क्या पढ़ाई की है? मैं MCOM हूँ। अच्छा, आपने कमर्शियल लाइन में किया है, तो अभी फाइनेंस में कर रहे हो आप। तो जो सरकार की तरफ से कोई सरकारी जॉब्स की अगर बात की जाए, तो आपके लिए लग रहा है उस तरीके कोई वैकेंसी? बिल्कुल, अभी तो कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, काफी परेशान है, बेरोजगार है। अच्छा। नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब। हाँ, बिल्कुल। खर्चा वर्चा निकल जाता है? अब कहाँ निकलता है, खर्चे बहुत होते हैं, है ना। 10-12 हज़ार की नौकरी में क्या होता है। अच्छा, शादी हो चुकी है? शादी हो गई, मैरिड हूँ। बच्चे हैं आपके? अभी बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो अभी वही जैसे कई सारे लोग हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ के सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं कि बच्चे उसमें पढ़ा रहे हैं, तो ये सरकारी स्कूलों की कंडीशन कैसी है? अभी यहाँ की बात करें तो यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, ज़्यादा खास है ना। बाहर ठीक है, दिल्ली वगैरह में देखिए अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की रैली थी यहाँ पे, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल भी कुछ एक दो सीटें निकाल पाएंगे? नहीं, निकालेंगे वो, पर कांग्रेस की बराबर में मैं उनकी तुलना नहीं करूँगा। उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है। हाँ जी, लेकिन एक दो सीट निकाल सकते हैं आपको? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंह चौहान जी की योजना है लाडली बहन योजना, नहीं मिल रहे? कोई नहीं मिल रहा। क्यों, आपने क्यों नहीं? नहीं मिल पा रहा किसी कारण, बस आपने फॉर्म भरा नहीं है या फिर आपने लिखा था भरा था और बाइक का नहीं भर पाया था, क्योंकि उसमें अभी उनका डॉटर ऑफ था। अच्छा, है ना, तो वो नहीं भर पाया। तो आपको उम्मीद लग रही है जीत जाएगी इस बार कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल आएगी। कांग्रेस के वादे की वजह से है या फिर बीजेपी से नाराजगी ज़्यादा है? नहीं नहीं, बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है ना, कांग्रेस अच्छा करेगी लोगों का। कांग्रेस जैसे वादे कर रही है कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री देंगे, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, ये सारे जो वादे कर रही है, आपको लग रहा है पूरे बिल्कुल करेगी? बिल्कुल। किसानों का कर्ज माफ़ करा था है ना, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। अच्छा, तो हमारा जो KCC था वो माफ़ कर दिया था। अच्छा, अच्छा। और अभी उसका चल रहा था कांग्रेस में ही, क्या बोलते हैं, सोसाइटी वाला, वो भी करवाया है ना, तो कांग्रेस बहुत बेहतर है। अभी जैसे ये आपने कहा किसान है आपके पिताजी किसान? हाँ, बिल्कुल। तो किसानों में एक नाराज़गी ये भी है कि उनकी जो फसलें वगैरह हैं वो उसके रेट सही नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं मिल पाते हैं, है ना। आपके खेत में क्या होता है? अभी हमारे खेतों में आलू होता है, गेहूँ होता है, सरसों होती है। हाँ, अभी कई सारे किसानों से बात की हमने तो सरसों के लिए बहुत नाराज़गी थी, वो कह रहे हैं सरसों बहुत सस्ती गई थी। हाँ, बिल्कुल गई थी। 4,000 रुपये के? 4,000 के समथिंग, 4,100 रुपये, 4,000, 3,900 इतनी गई थी सर। तो अगर आपका एरिया कौन सा पड़ता है, कहाँ पर? मेरा मुरार पड़ता है, मुरार के आगे गाँव है मेरा। अच्छा अच्छा, है ना। वैसे मैं सिकंदर कंपूर तेरा बटालियन के उधर रहता हूँ। तो वहाँ अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों में क्या नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। तो आपको लग रहा है इस बार चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्या कह रहे हो? आश्रम क्षेत्र में नली बनाई हुई है, आप देख सकते हो। हाँ। यहाँ पानी भर रहा, पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। अच्छा, इसका मैनेजमेंट सही नहीं है? इसका मैनेजमेंट सही नहीं है। हमने कहा था इसको ओली करके बनाओ, उन्होंने ओली करके नहीं बनाया, और चीफ सुनी भी रहे हैं, आज बना के उधर भर गए पानी। मेरा नाम हरिराम है। आपका कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक है। कब से कर रहे हो आप ये मोची वाला काम? मैं तो बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से ही? आपके परिवार पहले भी यही करते थे परिवार में लोग? नहीं। अच्छा, पहले नहीं करते। कभी जैसे आप रहने वाले कहाँ के? मध्य प्रदेश के ही? वोट डालते होगे आप तो? हाँ, डालते हैं। तो इस बार जो चुनाव होंगे इसमें कुछ लग रहा है परिवर्तन होगा या ठीक ठाक काम चल रहा है? परिवर्तन हो रहा है साहब, हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कांग्रेस की कुछ संभावना है कि बीजेपी की सरकार बनी रहेगी? ये बताओ, अपन तो बीजेपी के हैं। अच्छा, बीजेपी।
लग रहा है बीजेपी द्वारा आ जाएगी, आ जाएगी। और जो शिवराज सिंह चौहान जी जो रुपए डाल रहे हैं खातों में वो मिल रहे हैं आपको? हाँ, मिल रहे हैं। घर पे आपकी जो पत्नी होंगी उन्हें मिल रहे होंगे? हाँ, मिल रहे हैं। 1000 रुपए है ना। हाँ। और कांग्रेस जैसे वादे कर रही है और ये भी कह रही है कि महंगाई बहुत हो गई है, कई सारे लोग कह रहे हैं जो व्यापारी वर्ग वगैरह छोटे वर्ग के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर महंगा है। कोई महंगाई नहीं है साहब, एक अच्छी चीज़ महंगी है तो क्या है। अच्छा, आदमी लोगों की शौक भी तो बढ़ गए हैं। आपका खर्चा निकल आता है आपके काम का? बच्चे वगैरह हैं आपके? क्या काम करते हैं वो? वो अभी छोटे छोटे हैं, 3 नाती है, 1 लड़का है। अच्छा, लड़का क्या करता है आपका? यही काम करता है। अच्छा, यही काम करता है। तो आपको लग रहा है कि महंगाई वगैरह भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी चुनावों पर? कोई फर्क नहीं डालेगा। अच्छा कार्य कमा रहे हैं, 4-5 सौ 5 सौ 6 हज़ार रुपये कमाता है आदमी। हाँ, क्या फर्क है? तो आपको लग रहा है हो जाएगा चेंज? वो मतलब चेंज नहीं हुआ है ना, शिवराज सिंह जी दोबारा बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, उम्मीद है। हरिओम, क्या आपकी आपका ठेला है? हाँ जी। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है। ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग ये सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, सुबह भी हुआ था, सुबह मैं दिया था। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है क्या माहौल रहने वाला है? माहौल मेरे हिसाब से बीजेपी ही सरकार बनेगी। बीजेपी बन जाएगी? महंगाई से परेशान नहीं है लोग? नहीं है। नहीं, जो सिलेंडर जैसे महंगा है ये सारी चीज़ें मुद्दे नहीं बनेंगे? कुछ तो कुछ अलग से तो दे रहा है, खाना वगैरह दे रहा है जो, वो भी तो कहीं से दे रहा होगा, गेहूँ वगैरह चावल वगैरह दे रहा है जो। तो इस वजह से आपको लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सही सरकार है बीजेपी, सही सरकार है। तो दोबारा आपको लग रहा है शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री का पता नहीं, वैसे सरकार तो बीजेपी की रहेगी। शिवराज सिंह में कुछ दिक्कत लग रही, चेंज हो सकते हैं क्या? नहीं, उनका पार्टी मैटर है वो। अच्छा, बीजेपी सरकार भी यही बनेगी। शत्रुघ्न तिवारी। आप कहाँ? यही मध्य प्रदेश की रहने वाले हैं? जी हाँ, ग्वालियर का। वोट डालते हैं? वोट डालता हूँ। तो इस बार जो चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, इसमें क्या माहौल लग रहा है? माहौल वही मोदी जी का लग रहा है। मोदी जी का लग रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, मोदी जी का नहीं, हम शिवराज सिंह चौहान जी वाला पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल है, पक्का माहौल है, बिल्कुल पक्का है माहौल। हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मुद्दे हैं महंगाई का मुद्दा है ये फ़र्क नहीं डालेगा चुनावों में? नहीं डालेगा। नहीं डालेगा? नहीं डालेगा। क्या आप क्या काम करते हैं? मेरा फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का? तो अभी कैसा काम चल रहा है आपका? काम ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, रिकवरी वाल, रिकवरी कैप का? नहीं, रिकवरी नहीं है मेरा, मैंने DSA ले रखा है। अच्छा अच्छा। उस पर काम करता हूँ। तो जैसे कई सारे लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं और सर्वे भी कर रहे हैं। हाँ। तो लोगों का ये कहना है कि जैसे गैस सिलेंडर है और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। महंगी तो हो गई है, ये तो बात है। हाँ। तो आप वो कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस वादे कर रही है कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम 500 रुपये का सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपये खातों में भेजेंगे, इस तरीके की कई सारी योजनाएं हैं। तो आपको लग रहा है ये चीज़ें फ़र्क नहीं डालेंगी चुनावों में? नहीं नहीं, नहीं डालेगी। अब जैसे पहले ले रहे थे लोग। हाँ। सिलेंडर कम का था तो अभी भी। हाँ। अभी भी ले ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। चाहे वो 1100 का पड़ रहा है, 1200 का पड़ रहा है, ले रहे हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है ठीक ठाक रहेगा माहौल, बीजेपी के पक्ष में रहेगा माहौल, इससे कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा? अच्छा। अभी जैसे सर्वे आया है ABP न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे आया है पूरे ग्वालियर में, वो पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने सर्वे किया है। तो उसमें उनके सर्वे में ये बात निकल के आई है कि जो वोटिंग परसेंटेज लगभग बराबर है और जो सीटें भी हैं वो लगभग बराबर है, हल्का सा 1-2 सीट कांग्रेस की आगे है। तो आपको लग रहा है कि मामला टक्कर वाला नहीं है? टक्कर वाला तो लग रहा है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस की भी मतलब ठीक ठाक सीटें आ सकती है ना? हाँ आ तो सकती हैं, मगर मामला हमेशा उल्टा हो जाता है। हाँ। जैसे लगता है ना कि सीट आ रही है तो एकदम से चेंज भी हो जाता है कभी कभी। चुनाव के समय की बात? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।